टंटावेल इंडियन रॉबिन हुड का नाम सबसे बड़े व्यक्तियों में रूप में लिया जाता है। ये बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंटावेल की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टंटावेल को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टंटावेल के आदिवासियों ने देवताओं की तरह माना जाता है। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टंटावेल को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सारे टंटावेल एक ही समय में 1700 गाँव की सभाएँ कर लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंटावेल को कोई पकड़ नहीं पाता था। टंटावेल देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाते। कहा जाता है कि टंटावेल लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल करते थे। टंटावेल के पिता का नाम बाहुबील था। टंटावेल का जन्म 1940 या 1942 के बीच का बताया गया है। खंडवा मध्य प्रदेश। और मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर मध्य प्रदेश। मृत्यु का कारण रहा था अंग्रेजों द्वारा धोखे से फांसी देना। और पताल पानी मध्य प्रदेश में दी गई थी जेल के अंदर। जबाजी का अमिट अध्याय बन चुके आदि विद्रोही टंटावेल अंग्रेज दमन का ध्वस्त करने वाली जीत तथा संघर्ष की मिसाल है। टंटावेल के शौर्य की छवि वर्ष 1875 के बाद उभरी। जननायक टंटा ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ। दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रतिपादित अंग्रेजों की सत्ता ने जननायक टंटावेल को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। मध्य प्रदेश के जननायक टंटावेल को 1889 में कुछ जेल संदों की वजह से फांसी दे दी गई। टंटावेल की एक महान योद्धा थे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन रॉबिन हुड टंटावेल की जीवनी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। और इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नज़्म पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।